नाज़रीन, आज हम फैसलटाउन पुलिस स्टेशन जो अलमारूफ कोठापिंड फ्लैट्स में मौजूद है, बड़ा पुराना पुलिस स्टेशन है, बहुत खस्ता हालत में था। चूँकि मेरी रिहाइश भी मॉडल टाउन लिंक रोड पे है, वो हमारे एरिए में डियाकतबाद पुलिस स्टेशन है, दोनों पुलिस स्टेशन जो हैं नहाय बिल्कुल टोटल डिस्ट्रक्टेड हालत में है। बैठने की जगह नहीं थी। गुड लक टू बी कि आज ये जो एसएचओ साहब का कमरा है, थैंक्स गॉड कुछ बेहतर है, और एसएचओ साहब के साथ जो यंग ऑफिसर हैं, मैंने आपका उनसे आपका तारफ करवाया था, मिस्टर फारूक इज ऑल्सो वेरी नाइस जेंटलमैन। हमने व्हाट्सएप से कुछ चीज़ों के लिए गुजारिश की, हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और व्हाट्सएप की आपको सिर्फ हम आवाज़ सुनाएंगे। यकीनन आपको कुछ चीज़ें इंफॉर्मेटिव होंगी, कंस्ट्रक्टिव होंगी, वेरी एजुकेटिव होंगी, तो हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एसएचओ फैसल टाउन मोहतरम अशफाक भट्ट साहब से। अस्सलाम वालेकुम अशफाक भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं भट्ट साहब? आप ठीक हैं जी? अल्लाह ताला का एहसान, अल्लाह का करम है। भट्ट साहब नाइस ऑफ यू, आप दोपहर को सारा दिन चर्चों की ड्यूटी, न जाने कौन कौन से नाके वहाँ से होते ऑफिस में फिश फ्लाए, और हम आधम के हम आपके बेहद ममनून हैं। कैसा चल रहा है आपका पुलिस स्टेशन, ये जो फैसल टाउन आपका थाना है, इसमें आपके आने से पहले स्नैचिंग की बहुत बड़ी रेशो थी, बहुत बुरा हाल था, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब फ़र्क है बताइए, और हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए जी, बात यह है कि ये अल्लाह ताला का करम है, उसका फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह, इंसान की मेहनत। जैसे जैसे इंसान मेहनत करता है वैसे वैसे अल्लाह ताला उसको फल देता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बट साहब आपसे बस्तुल्ला बिला तकल्लुफ आप खुल के बोले, कैमरा इज अदर वे, जो कहते हैं वो वी आर द पीपल ऑफ कमिटमेंट, वी हैव सेड इट, नो कैमरा विल बी शूटिंग योर फोटोग्राफ्स, सो प्लीज अ बिट लाउड प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं आपसे खुल के बात कर रहा हूँ कि ये सबसे पहले तो अल्लाह ताला का फजल और करम है, अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद जो है ये इंसानों की, मेरी टीम की, इन सब की मेहनत है कि क्राइम की शरह जो है ना नीचे है। तो जो आइंदा के लिए यही एक पैगाम है कि आप मेहनत करें और इंशाल्लाह ताला इसमें कामयाबी ही कामयाबी। भट्ट साहब, हम जब आपके यहाँ आए और हमने अपना सेट लगाया और आपके इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर हैं उनसे कोऑर्डिनेट करके आए, तो मुझे ये कहते हुए इंतहाई अफसोस हो रहा है कि जब हम बिल्कुल अपना फॉर्म शुरू कर रहे थे उस वक्त भी हमें आपके पुलिस के कांस्टेबल साहब ने सरकास्टिक गुफ्तगू से तंग कर रहे थे और छेड़छाड़ कर रहे थे, हमने अपना फॉर्म जारी रखा और हम बेहद ममनून हैं कि आपके ये जो पुलिस फारूक साहब और दूसरे लोग आए, उन्होंने कुछ उनको समझाने की कोशिश की। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हम एजुकेट करने के कायल हैं, हम पनिशमेंट के कायल नहीं हैं, तो आपसे गुजारिश है कि उस बच्चे को समझाइए कि बड़ों का एहतराम करते हैं, मीडिया एक तरफ, लेकिन इज्जत और वकार का ख्याल रखें। अगर मेरे साथ ऐसा सलूक है तो जो आप तक नहीं पहुँच सकता उनके साथ वो क्या रवैया रखते होंगे, वो आप मेहरबानी फरमाएंगे और उन्हें गौर जाएंगे। जी इंशाल्लाह इसको चेक कर लेते हैं, जिसने भी ऐसा किया उसको समझाएंगे भी, वार्निंग करेंगे, आंदा ये मसला होगा नहीं। तो क्या आप बता सकते हैं उसने क्या कहा आपको? मेरा ख्याल है कि वो रिकॉर्डिंग में भी मौजूद होगा भट्ट साहब, लेकिन मैं आपसे सिर्फ गुजारिश करूँगा कि अगर मैं आपके कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो एक लम्हे के लिए हम ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, फिर भट्ट साहब से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। ऑफ कर।